नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में शामिल हुए और उन्होंने इतिहास रच दिया है, और इसी के साथ सिर्फ भारत में नहीं श्रीलंका से लेकर अमेरिका तक इसकी गूंज पहुंच चुकी है। यहां तक कि टाइम स्क्वायर पर जिस तरीके से भव्य राम मंदिर की तस्वीरें दिखाई गई, प्रभु राम के चित्र दिखाई दिए, इससे उन लोगों को भी तकलीफ हुई। कुछ ऐसे संगठन थे, मुस्लिम संगठन, जो रोकना चाह रहे थे। यहां तक कि खबरें भी सुबह से चल रही थी कि आज उसका प्रसारण नहीं होगा, टाइम्स स्क्वायर पर प्रभु राम की तस्वीरें नहीं दिखाई जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी पूरी दुनिया आज जश्न मना रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ हैं इस विषय पर आगे चर्चा के लिए संघ विचारक पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। जय श्री राम। दुनिया के लगभग 150 से अधिक देशों में जहां हिंदू समाज रहता है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान में आपने देखा जिस तरह पिछले दिनों वहां मंदिर नहीं बनाने दिया गया और तोड़ दिया गया, लेकिन आज वो पाकिस्तानी भी उनकी आस्था और वो प्रतीक्षा में थे कि भव्य राम का मंदिर कब बनेगा। इसी तरह दुनिया के सारे देशों में जहाँ भी कोई हिंदू रहते हैं, वो सभी प्रतीक्षा में थे, क्योंकि ये जो बाबरी मस्जिद यहाँ बनाई थी बाबर ने, मंदिर को तोड़कर, उसकी गुम्मत तोड़कर हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए। वो ऐसा नहीं है कि देश के राजा था, यहाँ पर शासन करने आए थे तो वो नया मस्जिद भी बना सकते थे, लेकिन स्पेशली उन्होंने अपमानित करने के लिए हिंदू समाज को ऐसा किया कि उन्होंने मंदिर तोड़े और उसको ऊपर से केवल गुम्मत तोड़कर गोल कर दी, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ ये जाने कि वो जो आक्रमणकारी थे वो कैसे आततायी थे। उन्होंने यहाँ भारत में आक्रमण किया, उन्होंने अतिक्रमण किया, उन्होंने स्त्रियों के साथ गलत काम किए, ऐसा वो दिखाना चाहते थे और इसी अपमान को मिटाना चाहते थे, इस कलंक को हिंदू समाज। और इसीलिए पहले उसको अनेक लगभग 500 साल से न्यायपालिका के जरिए कोशिश की गई हिंदू समाज के द्वारा, उसके लिए बलिदान दिए गए, हजारों लाखों लोग उसके लिए बलिदान हो गए। और उस प्रक्रिया में जब देश आज़ाद हो गया तो लोगों को एक प्रतीक्षा थी कि अब देश आज़ाद हुआ है, अब ये भव्य राम का मंदिर तो बन ही जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू और हिंदुस्तान ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और हिंदुस्तान कहें और राम ना कहें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राम भगवान इस हिंदुस्तान की आत्मा है। तो सब प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वोट बैंक की राजनीति और कांग्रेस का ढिलाईपना, और स्पेशली वो भी हिंदुओं का अपमानित करने के लिए उन्होंने भी वो काम किया जिससे एक बस खास वर्ग खुश हो सके, जो बाबर की संतानें यहाँ रह गईं वो केवल खुश हो सकें, ऐसी चिंता केवल कांग्रेस ने की। यदि इच्छा शक्ति दिखाई होती तो ये राम का मंदिर आज के 70 साल पहले बन गया होता, लेकिन कभी भी सरकारों ने ये ध्यान नहीं दिया और हिंदुओं को अपमानित किया गया, उनको रोड़े अटकाए गए इस मंदिर के मार्ग में। और अब आप देखें कि जब से ये 2014 के बाद मोदी जी आए, और इनका संकल्प था, संकल्प पत्र था, जो घोषणा पत्र किया चुनावी, उन्होंने उसको संकल्प पत्र नाम दिया। जी जी सर, आज दुनिया भर के देश इस उत्सव को मना रहे हैं। अमेरिका की जिस तरीके से वहाँ रथ यात्रा निकाली गई व्हाइट हाउस तक, और उसके बाद टाइम स्क्वायर पर जो तस्वीरें दिखाई गई, वो उसको देखकर कितना उत्साह और हमें गर्व महसूस हो रहा है। देखिए, अगर हम कहीं किसी भी देश में हैं, भारत में तो हम मनाते ही हैं चलो दीपावली, क्योंकि ये एक सारा देवी देवताओं का देश है और देश आज़ाद है, और इस समय मोदी सरकार है जो हिंदुत्व के लिए बढ़ावा दे रही है, आगे आने वाले समय में संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। लेकिन अगर कोई हिंदू कहीं विदेश में रह रहा है, जैसे कि आपने अमेरिका के बारे में बताया, वहाँ अगर हम इसको इस तरह से मना पाएं कि हम खुशी का इजहार कर रहे हैं, और वहाँ दीपावली मनाई जा रही है, वहाँ रथ यात्रा निकाली जा रही है, तो इससे गौरव की बात ज़्यादा हो नहीं सकती। और जैसे आप देख रहे हैं अमेरिका में इस समय चुनावी माहौल है, वहाँ ये होड़ मची है कि वोट तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन किसकी? तो हिंदुओं की चिंता करने वाला वहाँ कोई है? वहाँ भी आज ये होड़ मची है कि हिंदुओं की वोट कैसे हमें मिले, डोनाल्ड ट्रंप पार्टी में हो चाहे वो बिडेन हो, दोनों को चाहिए। और उनको पता है कि हिंदुओं के बिना हमारी जीत निश्चित नहीं है, भारतीयों के बिना हमारी जीत निश्चित नहीं है, और वो भारतीय है, वहाँ हिंदू की संख्या ज़्यादा है, और इसलिए अब वहाँ हम सबकी संस्कृति को अपनाने का भी एक चलन चला है कि विदेशों में आप देखेंगे कई संसदों ने भारतीय परंपरा, भारतीय वेशभूषा, वहाँ की संस्कृति वेशभूषा को इसको अपना रहा है। तो ये इस समय बदलता हुआ भारत है, जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में किया कि ये जो है ये नई संस्कृति को और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, भव्य राम का मंदिर।
तो ये वास्तव में दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा कि संकल्प शक्ति से जैसे भगवान राम ने रावण का विनाश किया और अयोध्या आए तो लोगों ने दीपावली मनाई, इसी तरह मोदी जी ने संकल्प लिया कभी कि राम मंदिर बनेगा तो ही अयोध्या वापस आऊंगा। रावणों का विनाश, आज कोई रावण सींग वाले और राक्षस नहीं है, लेकिन हमारे देश में ही बैठे हुए ऐसे रावण हैं जिनके विचार राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। अब आप देखिए कि ये हमारा भारत है, यहां अगर मंदिर नहीं बनेगा तो क्या सऊदी अरब में बनेगा? राम का मंदिर हम भारत में और अयोध्या में नहीं बनाएंगे तो कहां बनाएंगे? दुनिया का कोई देश ऐसा है क्या कि जहां हम राम और कृष्ण जी के मंदिर बना सकते हैं? भारत में नहीं बना सकते तो दूसरी जगह कहां मनाएंगे? और ये सारे राक्षस मिलकर, चाहे उसमें कांग्रेसी हो, समाजवादी हो, चाहे और कम्युनिस्ट लोग हों, इन सब की कोशिश जैसी थी वैसी जैसे लोग, इनकी कोशिश क्या थी? इनकी कोशिश थी कि हिंदुओं को इसी तरह अपमानित करते रहें, इनके राम मंदिर के बनने में रोड़ा अटकाते रहें, कोर्ट में मामला लटकाते रहे, कोई कोशिश नहीं की और तरह तरह की दलीलें देते रहे। कांग्रेसी कहते थे राम तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, उसको तोड़ने तक के आदेश दे दिए। इन सबकी मंशा ये थी कम्युनिस्टों के साथ मिलकर कि राम के अस्तित्व को ही नकार दिया जाए, जिससे कभी आने वाली पीढ़ियां कहें हाँ कहीं अयोध्या थी तो। सर नकार दिया, लेकिन जो साजिश उन्होंने रची वो नाकाम भी हो गए। मैंने कहा ना, देखिए उनकी साजिश देखिए कि वो कहते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है, उस पर फिर कम्युनिस्ट कहते हैं कि हाँ राम तो यहां पैदा हुए, ये कैसे पता लगता है? अभी उसमें देखिए नेपाल ने भी पिछले दिनों सुर मिलाया क्योंकि वहां भी कम्युनिस्ट सरकार है, तो सब चीन के इशारे पर चल रहा है। और कैसे वो नैरेटिव सेट करते हैं कि नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि अयोध्या तो यहां है, मतलब इस तरह से आप बरगला दो दुनिया को कि दुनिया वाले भी अयोध्या पे शक करें। आज सबके मुंह पे करारा तमाचा लग गया है कि जिन लोगों ने सवाल उठाया राम पर, जिन्होंने उठाया राम जन्मभूमि पर, उनके अस्तित्व पर, आज सबके मुंह पे करारा तमाचा लगा है और दुनिया में जय जयकार हो रही है, जय श्री राम के नारे पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। ये मोदी जी को इनका श्रेय जाता है, मोदी सरकार को, कि इन्होंने बीच में बाधाएं जो आ रही थी, चाहे वो जितने राक्षस थे राम मंदिर के बीच में बनने के बीच में बाधा आ रहे थे, मोदी जी ने उन राक्षसों का वध किया, चाहे वो मानसिक रूप से थे चाहे वो शारीरिक रूप से थे, और उन सबका वध जब मोदी जी ने कर दिया अपने संकल्प को दोहराते हुए, अब वो तभी अयोध्या में उन्होंने चरण रखे। ये मोदी जी के संकल्प शक्ति के कारण आज हमें ये शुभ दिन देखने को मिला है कि भव्य राम मंदिर अब बनने जा रहा है। जी अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में जिस तरीके से उसे दुल्हन की तरह सजाया गया और भूमि पूजन में सबने देखा जो तस्वीरें सामने आई कि बिल्कुल तस्वीर ही बदल कर रख दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगे हुए थे, चाहे वो तैयारी हो और जिस तरीके से उन्होंने दिवाली के रूप में मनाया, जो दिए उन्होंने पूरा जलाकर ये दिखाया कि आज ही दिवाली है और आज उत्सव का दिन है, और इसीलिए जो तमाम तरीके के लोग थे जिस पर सवाल उठा रहे थे उनको भी जैसा कि आपने कहा करारा जवाब था, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरीके से उन्होंने उत्सव के रूप में जो तैयारियां की, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अयोध्या की तस्वीरें पहले कुछ और हुआ करती थी और आज अगर देखें तो कुछ और हैं। देखिए हम पहले भी अयोध्या गए हैं और हमने देखा है कि ऐसे लगेगा जैसे किसी सुनसान सी नगरी में आ गए हैं, जहां राम ने जन्म लिया हो, जो शास्त्रों में लिखा हो, और उस शास्त्रों में वर्णन है राम जी अयोध्या में सरयू के किनारे नगरी थी उसमें जन्मे, वहाँ उनकी शक्तियाँ अभी भी विराजमान हैं, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी अभी भी वहाँ उनकी शक्ति अभी भी लाइव है, लोग ऐसा अनुभव करते हैं, और वहाँ सुनसान गंदगी ये सब था क्योंकि उस नगरी को प्लानिंग करके इग्नोर किया गया हिंदुओं को अपमानित करने के लिए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पे आए, जिन्होंने पहली बार वो दीपावली 3 साल पहले शुरू किया, उन्होंने कहा पूरे समाज को कि भाई अयोध्या में वापस आए थे राम तो सबसे पहले दीपावली अयोध्या वालों ने मनाई, पूरे देश ने बाद में मनाई, और यहीं अयोध्या में अंधेरा रहे, ये नाइंसाफी है राम के उस दीपावली के साथ, और इसलिए भव्य दिवाली 3 साल पहले मनाई गई। वो परंपरा राजकीय सम्मान के साथ जो शुरू की गई वो योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने चिंता नहीं की कि कौन उनकी उपेक्षा अपेक्षा करेगा, कौन उनका बुराई करेगा इस बारे में, और वो कभी करते भी नहीं है।
आज हमारा सौभाग्य है सबका कि हमें योगी जी जैसे और मोदी जी जैसे हिंदुत्ववादी नेता एक मिल गए हैं, जिनके नेतृत्व में अभी ये आगे आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि और बड़े बड़े निर्णय भी ऐसे होने वाले हैं जो हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, जैसे अभी शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है उसका भी बहुत बड़ा भाग है, अभी जनसंख्या नियंत्रण पर होने वाला है, तो मोदी जी और योगी जी मिलकर के ये दोनों इस देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ चल रहे हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है, अब ये रथ रुकने वाला नहीं है। अमेरिका में जो रथ यात्रा चली वो अमेरिका में चली, लेकिन वो पूरी दुनिया में आप देखिए कि मोदी जी का डंका इस समय गूंज रहा है पूरी दुनिया में। अब एक ही विश्व गुरु उभर कर नाम आएगा, वो है हिंदुस्तान जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।